नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, एक और सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सब कोरोना की परेशानियों के बीच में मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में ही होंगे और सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन कर रहे होंगे अपने आप को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को, और घर में बैठे बैठे थोड़ा मनोरंजन भी कर लीजिए, सारे काम कर लीजिए, थोड़ा कुछ सीख लीजिए, साथ साथ पढ़ते भी रहिए, है ना। अनअकैडमी आपके पास हज़ारों क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहा है आपके मोबाइल फ़ोन पे, ताकि आप पढ़ पाएँ, इसलिए सिर्फ। तो इसका लाभ उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा लोग और बच्चों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बताइए। और सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी खबर ना फैलाएं, कोई भी ऐसी खबर वायरल ना करें जिसका आपको लगे कि वो सच नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। नेहा मलिक मैम इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए, नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। ये हमारी बाकी की टीम है, ये सभी के सभी फैकल्टीज आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों इस सेशन का हमारा मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 50 इन SSC CGL। CGL में हम लोग परफेक्ट 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये मेरे बारे में दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है, तो अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो इस ग्रुप को फॉलो करके, इस लिंक को फॉलो करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं उन सभी एजुकेटर से आप पढ़ पाएंगे। ये हमारे प्लान्स हैं, तो इसमें जो एक साल का प्लान है और जो दो साल का प्लान है वो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट और सबसे सस्ता प्लान है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे Rajput10 तो आपको उससे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो ये कोड ज़रूर लगा दीजिएगा Rajput10, ठीक है। एक साल का जो है वो 6,000 रुपये का पूरा सब्सक्रिप्शन है, तो वो 10% डिस्काउंट होकर 5,400 का पड़ेगा, और 12 महीने का जो है वो करीब 6,400 रुपये का है। तो अब ये वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। चलिए ये पहला क्वेश्चन आ गया हमारा आपके सामने, इसको करिए। इसमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 4, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की वैल्यू आपको बतानी थी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होती है आपकी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। और 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। यहाँ रख देंगे 5 और 5×5=25 और 4×3=12 और यहाँ कितना जाएगा, 13, तो 13×5=65, 65, आंसर कितना जाएगा, 65। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू है आपकी √8 - √7 और ए बराबर 1/b के बराबर भी है आपका, तो आपको ये सब की वैल्यू बतानी थी। आप एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, अगर ए की वैल्यू √8 - √7 है तो 1/a की वैल्यू √8 + √7 होगी, ये तो पक्का है, और ए प्लस 1/a की वैल्यू फिर आपकी 2√8 हो जाएगी एक प्रकार से, और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 4×8 होता है तो 4√2 आ जाएगा, 4 जो अंदर से 2 निकल के आएगा, 2×2=4 और 2√ बचेगा अंदर, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए ए की जगह 1/b, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 3, क्योंकि ab की वैल्यू 1 है, और अपॉन में
ये पूरे के बटे में होगा भैया, ये पूरे के बटे में है ये। देखिए ये ऐसे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे है ये। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² हो गया, माइनस में 3 हो गया क्योंकि ए बी की जगह वैल्यू 1 रख दी हमने। अब यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 1/a रख दिया आपने, प्लस में ए बी, ए बी की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब ए प्लस 1/a की वैल्यू 4√2 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू 4√2² माइनस 2 होगा, तो 4 × 16, 16 × 32, 32 में से 2 चला गया 30, ठीक है। 30 माइनस 3 बटे में 30 प्लस 1 कितना जाएगा 31, तो ये आ जाएगा आपका 27 बटे में 31, ये आंसर होगा 27/31। बनाइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अगला। इसमें क्या कह रहा है, रियल नंबर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर बराबर है 8, वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर है 10, और x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है आपका 7, ठीक है। ये दे रखा है आपको, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी थी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी थी। देखिए वैल्यू सोचें कुछ, नहीं वैल्यू नहीं सोच पाएंगे, तो आप इसको पूरा सॉल्व करके लिख लीजिए एक बार। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे 8 और 10 18 और 7 25, ठीक है। देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, और वाई स्क्वायर से आपका कहाँ गया, वाई वाई स्क्वायर कट गया, एक वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू 25 के बराबर है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर बन गया आपका बराबर 25, तो एक प्रकार से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, तो ये आंसर क्या आ गया आपका 5। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में, आप आराम से कर देंगे इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये उठाइए, आप क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 20 माइनस 2.8 × 5 डिवाइड बाय 0.7 माइनस 3 डिवाइड बाय 0.9 × 1.5 प्लस में 2, कुछ ऐसा दे रखा है। एक बार आप पॉज करके वीडियो को खुद से करने की कोशिश करिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि यही है क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में टाइपिस्ट अक्सर मैं देख रहा हूँ कि गलतियाँ कर रहे हैं क्वेश्चन टाइप करने में। तो मेरे पास रियल क्वेश्चन पेपर हैं, हाँ ये रहा 20 माइनस ब्रैकेट है, ठीक है 2.85, बिल्कुल यही है, ठीक है। ऑप्शन भी ठीक है, 3.4, 3.8, 3.6, एक तो है 3.4 और एक है 3.6, ये ऑप्शंस हैं। देखिए कोई नहीं, अब ऑप्शन का तो क्या ही है, हम पूरा ही सॉल्व कर देंगे। देखिए ये क्या आ जाएगा, 2.8 ×
फाइव अपॉन में 0.7 माइनस 3 अपॉन में 0.9 इंटू 1.5 प्लस में 2, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा, 3 से 3 पे चला जाएगा और 3 से ये 5 पे चला जाएगा। 20 माइनस 4 पंजे 20 माइनस 5 प्लस में 2, माइनस 5 प्लस में 2 माइनस का 3 आएगा, 20 में से 3 चला जाएगा 17 और 20 में 17 चला जाएगा, आंसर कितना आ गया 3। तो डायरेक्टली आंसर 3 ही आ जाएगा आपका। बना लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये वाला। देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 425, सीपी कितना दे रखा है 425 रुपए। ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेन 16%। एक दुकानदार 20% की छूट देता है लेकिन फिर भी 16% का लाभ कमा लेता है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए अगर डिस्काउंट दे रहा है 20% का तो उसका सीपी हो गया 80 रुपए, और अगर प्रॉफिट दे रहा है 16% का तो उसका एमपी हो गया 116 रुपीज़, ठीक है। लेकिन सीपी दे रखा है 425, तो 80 यूनिट की वैल्यू है 425, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 425 बटे में 80, आपको निकालनी है 116 यूनिट की वैल्यू। तो 425 बटे में 80 और गुणा में 116, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया आपको। जैसे देखिए 4 से ये 20 पे कट रहा है और 4 दुनिया 8, 4 ने में 36, अब 2900 कटेगा नहीं किसी से। 5 से ये 4 पे कट रहा है, 5 से 5 अट्टे 40 और 5 पंजे 25, अभी आगे नहीं कटेगा। तो आपको ये अप्रोक्सीमेट सा निकालना पड़ेगा। देखो जैसे ये अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है ना, जैसे 7.2 समथिंग पे जा रहा है, तो आप 0.2 को बाद में देख लेंगे हम। कितना होगा, 7 पंजे 35, 3 7 8 56 और 3 59, 595, और साथ में कुछ और भी आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये ओहो ये काफ़ी पास पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो आप कर लेंगे 85 गुणा में 29 बटे में 4, इसको आप सॉल्व करिएगा भाई, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करो इसे।
देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 24 नंबर से 65, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर से 67 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 10 नंबर से 70. इफ 12th नंबर इज 13 लेस देन द 13th नंबर एंड 14th नंबर इज 1 मोर देन द 13th नंबर देन द एवरेज ऑफ 12th एंड 14th. देखो भाई, एक प्रकार से 24 नंबर्स की औसत 65 थी, जिसमें पहले 11 नंबर्स की औसत कितनी है 67. मतलब कितना ज़्यादा है, ये औसत से 2 ज़्यादा है, मतलब 22 ज़्यादा चला गया एक प्रकार से. अगले 10 नंबर की औसत है 70, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, यानी कितना ज़्यादा चला गया 50 ज़्यादा चला गया, कुल मिला के टोटल मिला के 72 ज़्यादा जा चुका है. अब ये जो बाकी के 3 नंबर बचेंगे, जिनको 65 गुणा में 3, 3 पंजे 15 और 1 छेती 18 और 1 19, 195 होना चाहिए था, लेकिन 72 उनकी वैल्यू ज़्यादा जा चुकी है, तो वो एक्चुअली में कितने रह पाएंगे, 123 ही रह पाएंगे. फिर क्या कह रहा है, इफ़ 12th नंबर इज 13 लेस देन द 13th, जो 12th नंबर है, 12वां नंबर है, वो 13 से कितना कम है, 13 कम है. ठीक है, तो आप है ना क्या करिए, 13th नंबर को ही x मान लीजिए, तो जो आपका 12th नंबर है वो कितना आ जाएगा, x माइनस 13, वो 13 कम है ना, 13 कम है 12th नंबर जो है. एंड 14th नंबर इज 1 मोर देन 13th नंबर, और जो 14th नंबर है वो 13वें नंबर से 1 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1. ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ 12th एंड 14th. तो 12वें और 14वें नंबर की औसत निकालनी थी. देखिए इसको जोड़िए, x माइनस 13 प्लस x, सॉरी प्लस x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 123. तो 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 123, 12 उधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 135, है ना. x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 45 आपके, और अगर x की वैल्यू 45 है तो 12वां नंबर आ जाएगा आपका 45 माइनस 13 32, और 14वां नंबर आएगा 45 और 1 46 46, 32 और 46 इसको जोड़ेंगे 8 7 78 हो जाएगा. इनकी औसत निकालनी थी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 78 की औसत निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9, 39. आंसर क्या आ जाएगा, 39. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं कई बार. चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए आप. क्या कह रहा है कि ए बी सी अकेले अकेले अलोन किसी काम को 9, 12 और 18 दिन में कर सकते हैं. वो एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो आपको बताना था कि बाकी का काम कितने दिन में होगा. 9, 12, 18, ठीक है, तो 9, 12, 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36. 9 चौक 36, 12 तीय 36, 18 दुनी 36,
एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो ए 4 3 12, 12 काम करके छोड़ के चला जाएगा, कितना रह गया फिर? 24 काम रह गया। रिमेनिंग वर्क, ओनली रिमेनिंग पूछा ना, तो 3 और 2 5, 5 के हिसाब से काम होगा आपका, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा है? अच्छा सॉरी, उन 3 दिनों में इन्होंने भी काम किया होगा, तो गलती कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ए ए का काम हटा रहा हूँ मैं। तो इन 3 दिनों में सबने काम किया होगा, तो एक प्रकार से आप 12 मत माइनस करिए। चार और 3 7 और 2 9, 9 के हिसाब से 3 दिनों में 27 काम कर दिया होगा, 36 में से 27 कर दिया, तो कितना बचेगा? 9 काम बचेगा। अब इस 9 काम को 3 और 2 5 के हिसाब से 9/5 दिन में किया जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है 10 थीटा की वैल्यू है 3/5, है ना? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपका, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बताना था। अगर यार देखो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 5 है, तो 5 5 25, 3 3 9, तो वो क्या आ जाएगा आपका? √34, 34। तो साइन इंटू कॉस बताना था, तो साइन इंटू कॉस आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटिनस, तो ये हाइपोटिनस ही तो है आपका, 3/√34 गुणा में बेस बाय हाइपोटिनस, 5/√34, 15/34 आंसर आ जाएगा आपका। बढ़ाइए, चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है आपका, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर है, ए डी 4 है, सी डी 5 है, तो आपको बी डी की लंबाई बतानी थी। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला जाए, तो जो बी डी का स्क्वायर होता है ना, वो ए डी गुणा में सी डी के बराबर होता है, तो बी डी का स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुणा में 5, मतलब 20, तो बी डी बराबर हो गया आपका एक प्रकार से √20, और √20 का मतलब हो गया 2√5, 2√5, ये आंसर आ गया 2√5। बढ़ाइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 14.4 एंड 3.6। मीन प्रोपोर्शन होता है भाई रूट ए सी, तो रूट आपका 14.4 इंटू 3.6, तो यह आ जाएगा 12 गुणा में 6 बटे में 10, ठीक है। एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 4, थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाय ए, तो 4 गुणा में 4 बटे में 5, 16 बटे 5 इसका रेशियो बताना था। तो 12 गुणा में 6 बटे में 10 इसका रेशियो 16 बटे में 5 के साथ, 5 से ये 2 पे घट जाएगा, 2 से ये 3 पे घट जाएगा, 4 से ये 3 पे घट जाएगा, 4 से ये 4 पे घट जाएगा, 3 3 9 और ये 4, 9:4 आंसर आ जाएगा, 9:4। पढ़ेंगे इसको, देखिए इसको क्या कह रहा है आपसे कि एज ग्रुप बता रहा है एक्स वाई जेड, ये बताए गए हैं यहाँ पर, और फाइव डिफरेंट विलेजेस ए बी सी डी ई विद द पॉपुलेशन ऑफ 5000, 6000, 8000, 4500 और 6000 रिस्पेक्टिवली। फिर क्या कह रहा है आपसे कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज बिलो 20 ईयर्स इन विलेज डी एंड ई टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ विलेजेस नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सेम एज ग्रुप इन डी। डी और ई का बिलो 20, में ये परसेंटेज है या एज है ये समझ नहीं आ रहा। सही दे रखा है डी आई। अच्छा यहाँ पे ना देखो एक डाटा मिसिंग है, एक्स जो है वो 50 से अधिक
वाई जो है वो 20 से 50 और जेड जो है वो 20 से कम, ये नहीं बता रखा है यहां पे, ये गलती कर रखे हैं। देखो 20 से कम डी और ई में तो जेड है, यहां पे 20% है, यहां 25% है, 20% डी का, डी 4500 का 20%, और 6000 का 25%। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45 × 90 900 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 25 छक्का 150 1500 आ जाएगा। तो 900 और 1500 टोटल कितना हो गया आपका 2400। ये सिर्फ डी वालों का कितना परसेंटेज है, सिर्फ डी का 900 है ना, गुणा में 100, ये 0 से 0 कट जाएंगे आपके, 3 से काटेंगे तो 800 बटे में 3 आएगा। ऑप्शन नहीं दे रखा है, सेम एज ग्रुप इन विलेज डी, यहां पे डी पूरे का पूछा गया है तो डी पूरे में 4500 है, ये 2400 जो है ये 4500 का कितना प्रतिशत है ये बताना था आपको। टाइपिस्ट भी ना गलत टाइप कर देते हैं, ये टोटल हो गया भाई 2400 जो है ये पूरे डी का, सेम एज ग्रुप नहीं लिखना है यहां पे, विलेज डी का, विलेज डी में 4500 है आपके और गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, 3 से काटा 15 800, 5 से काटा 3 160 बटे 3 द डिफरेंस बिटवीन, अंतर है 600 लिया जाएगा भाई यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, 600 को काटेंगे आप तो ये 200 बटे में 15, फिर 5 से काटेंगे इसमें यार कुछ टाइपिंग एरर है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बाकी आप डाटा समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 6.5% पर एनम फॉर 2 years इज 33.80, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 6.5 years। तो देखिए सी आई माइनस एस आई क्या होता है, एक्स इंटू वाई बाय 100% ऑफ प्रिंसिपल बराबर में सी आई माइनस एस आई फॉर 2 years, तो 6.5 × 6.5 अपॉन में 100 × 100 इंटू में प्रिंसिपल बराबर दे रखा है 3380 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा। अब उसके बाद नीचे 2 जीरो और ले आएंगे, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 65 × 65 बटे में 100 × 100 और गुणा में प्रिंसिपल बराबर 3380, ठीक है। तो अब ये डेफिनेट है कि ये 13 से पक्का कट रहा होगा,
तो 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26 और 13 × 6 = 78, 0। फिर 13 से कट रहा हुआ 13 × 5 = 65 और ये 20, और 5 से फिर ये कितने पे चला गया, 4 पे, और 5 से ये कितने पे चला गया, 20 पे। 2000 उधर जाएगा तो 8000 आंसर आ जाएगा, 8000। पढ़ाइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें डाटा ही मिसिंग है भाई, छोड़ो ये वाला करो। देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाय 14% ओनली, बाय वट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज इज कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए 100 से प्राइस मान लीजिए बढ़ के कितना हो गया, 124, जबकि एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 14% बढ़ाना चाह रहा है, ये 24% बढ़ा दिया उसने, तो ये कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, तो यानी आपको 10 रुपये की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी एक प्रकार से, कितने पर, 124 पर, और गुणा में क्या कर देंगे आप, 100। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और ये 4 से 3 पे और 1 पे चला जाएगा 31, 250/31। अब ये 8 से जा रहा है आपका, 8 × 8 = 24 है ना, 8.0, अब 8 में भी 2 है पॉइंट में, कितने पे जा रहा है, 8 × 8 और 8 × 3 = 24, 2 के बाद आपका पॉइंट लगेगा 0 समथिंग कुछ आएगा, 8.1 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, वैसे तो 0 में आना चाहिए बट दे नहीं रखा है, तो आप 8.1 लगा दीजिएगा, जो नियरेस्ट हो वो लगा दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, एट डिजिट नंबर 5x324 65y, ये 88 से डिविजिबल है, 88 क्या होता है, 11 × 8, पहले तो 8 से होना चाहिए, तो 65y, कोई लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ नहीं बोला हुआ, 8 से भाग करेंगे तो 8×8 = 64, 1 बच गया, 1 के साथ तो 6 ही लग सकता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और अगर y की वैल्यू 6 है, अब जोड़ लो भाई, 5 और 3 8 और 4 12 और 5 17, इनका जोड़ 17 आ गया, और यहाँ पे x है साथ में 2 और 6 8 और 6 14, 14+x, 3 जोड़ेंगे फिर 17 में से 17 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर दो, 3 × 6 और 6 = 18, आंसर कितना आ गया अपना, 24। बड़ा ही आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बनाइए।
चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल्स। ठीक है, देखो सिंपल सा हिसाब है भाई, जो सीपी के साथ लिखा उसको एसपी बना दो, एसपी वाले को सीपी बना दो। ठीक है, तो आपका जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 24 और जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 26। तो दो का प्रॉफिट हो रहा है 24 पे 1/12, 8 से 1/3% होता है, ये आएगा 25/3। चलिए ये क्वेश्चन बताइए अगला। देखिए आप जानते हैं भाई साइंस स्क्वायर 36 और साइंस स्क्वायर 54 ये तो 1 हो जाएगा, साइंस स्क्वायर ए प्लस साइंस स्क्वायर बी 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, तो टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, रूट 3 का होल स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड स्क्वायर 30 कॉस का उल्टा होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 + 3 + 4/3, तो 4 × 3 = 12, 16/3 आंसर आ जाएगा, 16/3 पढ़ाइए। ये वाला क्वेश्चन करिए अगला, क्या कह रहा है, इन अ सर्कल कोड ए डी एंड बी सी मीट्स एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल, इफ एंगल बी ए ई इज 76 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इज 102 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ई सी। बनाते हैं इसको, ए डी एंड बी सी ई पे मिलते हैं, बी ए ई 76 है, बी ए ई 76 है, ए डी सी 102 है, ए डी सी 76 पहले तो ये वाली 76 हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है अंदर वाले के। ठीक है, उसके बाद देखो यार ये वाला आप निकाल ही लोगे, 78 डिग्री हो जाएगा, ये 78 में से 12 बचा हुआ है और इसमें 14 बचा हुआ है, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ट्रायंगल बन रहा है ना ई डी सी, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है हमेशा, बनाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये है अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, फोर क्यूब्स ईच ऑफ एज 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो चार क्यूब है, एज है 5 सेंटीमीटर, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो आपको रिजल्टेंट क्यूब का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताना था। देखिए तो आप जोड़ देंगे तो यार उसकी लंबाई हो जाएगी, देखिए 5 है तो 4 जोड़ देंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20, लेकिन जो हाइट है वो 5 ही रहेगी और जो ब्रेड है वो भी 5 ही रहेगी। आपको टोटल सर्फेस एरिया बताना था, 2 ऑफ एल इन टू बी, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, प्लस में बी इन टू एच 25 हो जाएगा, और प्लस में और एच इन टू एल, ये भी कितना हो जाएगा, 100, 100 100 200 और 25, 225, 225 गुणा में 2 आ जाएगा 450, ये आंसर आ जाएगा 450। बनाइए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin θ - 2 = 0। अब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, देखो 30 डिग्री ही पुट करके देखो आप सिर्फ, कारण क्या है कि 30 पुट करोगे तो यहां पे 1/2 पुट होगा, ठीक है, और रूट नहीं होगा, बाकी में रूट, इसमें रूट आ गया तो फिर वो खत्म ही नहीं होगा, जीरो कैसे आएगा, नहीं आएगा, 1/2 रखा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1/4 प्लस में 3/2 - 2 = 0। अब आप इसको देखेंगे, 1/2 प्लस में 3/2 - 2 = 0, सेटिस्फाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, तो यही पूछा था थीटा की वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 km/h एंड रिमेनिंग विद द स्पीड ऑफ 40 km/h, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो देखिए आप 40% जर्नी बोल रहे हैं ना, तो आप इसको एक प्रकार से आपको 2:3 में माननी पड़ेगी, कुछ भी मान लो चाहे, जैसे यहाँ पे हम 120 60 के हिसाब से, तो 60 से गुणा किया है तो 180 ये मान लेते हैं, 120 और 180, क्यों 120 60 से डिवाइड हो रहा है, 180 40 से डिवाइड हो रहा है, 40 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, हालांकि थोड़ा डिवाइड हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है निकल जाएगा, लेकिन यहां पे हमने 60 से तय किया और यहां पे हमने 40 से तय किया, तो यहां कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे, और यहां कितने घंटे लगे आपको, 4.5 आवर्स। तो आपने 120 और 180 यानी 300 किलोमीटर टोटल तय किया, आपको टाइम लगा है 6.5 आवर्स, 100 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 3000/65, आप 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 600/13, ये आंसर आ गया आपका 600/13। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो सर्कल के अंदर बना हुआ है, सेंटर है ओ, एंगल बी ओ सी अगर 92 है, ए डी सी 112 है, तो एंगल ए बी ओ बताना था। सेंटर है ओ, एंगल बी ओ सी, है एंगल ए डी सी 112 है,
तो आपको एंगल ए बी ओ बताना था, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। ए बी ओ ये वाला एंगल निकल जाएगा आपका, देखें। लेकिन एसी सीधा नहीं होगा, हाँ ये इसका आधा हुआ ना, नहीं क्वाड्रिलेटरल ले बी सी डी इंस्क्राइब बी ओ सी 92 है, ये वाला एंगल इससे 180 होगा, तो ये 68 आ जाएगा आपका, सेंटर पे बड़ा एंगल 92 है अगर, ठीक है, ये रेडियस इस रेडियस के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये 92 है अगर, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना डिग्री बचेगा आपका, 88, यानी ये 44 डिग्री का हो जाएगा एंगल, 44, ये भी 44 का हो जाएगा, और टोटल है ये 68, तो 68 में से 44 को आप माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 24, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 डिग्री, 24 डिग्री, बनाइए। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और करिएगा अच्छे तरीके से, फिर मिलते हैं दोबारा एक और सेशन में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।